एकन ब्रो है वो मारेंगे वन। यहाँ पर सर आपके लिए आपके भी वन टैप कुछ ऐसे ही पड़ेंगे जब आप लोग इन तीन ट्रिक्स को फॉलो करोगे। कितना मारो उसको मेरे बताए अनुसार। अगर आप लोग मेरी ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो गाइस कसम से बोल रहा हूँ आप लोग डेजर्ट ईगल के किंग बनने वाले हो एंड आपका ओनली रेड नंबर ही पड़ेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा कि वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप लोग स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा एंड आपके वन टैप नहीं पड़ेंगे। एंड आप लोग कमेंट में बोलोगे भाई तेरी ट्रिक्स तो फेक है, तू तो फेक यूट्यूबर है, तू तो अच्छी टिप्स एंड ट्रिक नहीं देता, और कुछ लोग गालियां भी लिखेंगे बिना वजह के। सो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट निकाल के इस वीडियो को देख लेना, कसम से आपके वन टैप बहुत ही तगड़े पड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके भी अकाउंट में डायमंड नहीं है, आप लोग भी चाहते हो कि मेरे अकाउंट में डायमंड हो वो भी पूरे 2000, उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस ऐप को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर से OTP डाल के लॉगिन कर लो। ध्यान रहे अगर आपने मोबाइल नंबर से लॉगिन नहीं किया तो आपको 2000 डायमंड नहीं मिलेंगे। उसके बाद अपने फ्री फायर का UID डाल के यहाँ पर देखो 2000 डायमंड क्लेम का ऑप्शन है एंड क्लेम कर लो। अगर आपके सामने डायमंड क्लेम का ऑप्शन नहीं आता है तो मेरे वीडियो के लिंक से किसी और के मोबाइल में जाके डाउनलोड करो इस ऐप को, भाई कसम से 2 में से 1 मोबाइल में तो आ ही जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रिक नंबर 1 जो की गाइस शॉर्ट रेंज में वन टैप कैसे मारे डेजर्ट ईगल से। डेजर्ट ईगल से एकदम क्लोज रेंज यानी कि शॉर्ट रेंज में वन टैप मारने के लिए 3 ट्रिक से आप वन टैप मार सकते हो। सबसे पहले है विड ड्रैग, उसके बाद है यू ड्रैग, थर्ड नंबर पे आता है डाउन अप ड्रैग। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं इन लोग को कैसे वन टैप मार रहा हूं एंड मैं ड्रैग कैसे कर रहा हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। गाइस अब आप लोग मेरा एम देखो, एम कहां पर है, मेरा एम ऊपर था, उसके बाद एनिमी के हेड पर लाया, फिर मैंने वापस थोड़ा सा राइट में ऊपर खींच दिया, मतलब वी का शेप बन रहा है, ठीक है वी का शेप बन रहा है। आप लोग ध्यान से देखो, जब आप लोग एनिमी के शॉर्ट रेंज में हो तो आपका एम व्हाइट होना चाहिए और एनिमी के लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गाइस क्या करना है, आपको अपने फायरबीन को बी टाइप से ड्रैग डाउन अप करना है, ठीक है। कैसे करना है गाइस, सबसे पहले अपने फायरबीन को नीचे खींचना है ऊपर, उसके बाद थोड़ा राइट से ऊपर खींच देना है। ध्यान रहे कि आपका एम व्हाइट होना चाहिए एंड उसके बाद गाइस आपका बहुत ही इजिली वन टैप पड़ जाएगा एकदम क्लोज रेंज में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैं कैसे बंदों को एकदम भाई क्लोज रेंज में वन टैप मार रहा हूँ, मेरा एक भी बॉडी नहीं पड़ रहा है। एंड यही ट्रिक को फॉलो करके आप ओनली रेड नंबर मार सकते हो किसी भी, मतलब एकदम किसी भी एनिमी को किसी भी पोजिशन में। यहाँ पर गाइस आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग शॉर्ट रेंज में डेजर्ट ईगल से वन टैप मार रहे तो आपको अपनी फायरबीन को एकदम जोर से ऊपर खींचना है, तब जाके आपका बहुत ही तगड़ा वन टैप पड़ेगा। अभी बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की कि मिड रेंज में कैसे हम लोग डेजर्ट ईगल से वन टैप मार सकते हैं, हमको कैसे ड्रैग करना है, हमको रोटेशन ड्रैग करना है, हमको सीधा ड्रैग करना है, हमको एकदम फास्ट ड्रैग करना है, फिर हमको स्लो ड्रैग करना है, सब कुछ बताता हूं। बस आप लोग ध्यान से इस ट्रिक को समझना, उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो कि मैं कैसे वन टैप मार रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखो डेजर्ट ईगल से। तो सबसे पहला पॉइंट, तो अगर आप लोग शॉर्ट रेंज में खेल रहे हो तो आपको हमेशा फास्ट ड्रैग करना, एकदम ऊपर करना एकदम जोर से, लेकिन लॉन्ग रेंज में या फिर मिड रेंज में हो तो आपको कैसे ड्रैग करना, आपको हमेशा स्ट्रेट ड्रैग करना है, मतलब सीधा ड्रैग करना है लेकिन बहुत ही हल्का सा। अगर आप लोग जोर से ड्रैग करोगे तो गाइस आपकी सारी गोलियां रिकॉल चली जाएगी एंड आपका वन टैप या फिर कुछ भी शॉट तक कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस जब भी आप लोग मिड रेंज में खेल रहे हो डेजर्ट ईगल से तो आपको हल्का सा ऊपर ड्रैग करना थोड़ा सा, ठीक है, अगर एनिमी स्ट्रेट पोजीशन में है तो। लेकिन अगर एनिमी मूवमेंट कर रहा है, लेफ्ट या राइट जा रहा है या फिर कोई भी मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो गाइस आपको रोटेशन ड्रैग करना है, बेस्ट ऑप्शन है। रोटेशन ड्रैग कैसे करना है, आपको अपने फायरबीन को थोड़ा सा हल्का सा नीचे खींचकर ऊपर खींचना है, लेकिन हाँ आपको कभी भी फास्ट नहीं खींचना है। अगर आप लोग एकदम जोर से खींचोगे तो गाइस आपका गोली रिकॉइल करेगा, ठीक है। तो अगर आप मिड रेंज में खेल रहे हो तो हमेशा आपको रोटेशन ड्रैग करना है या फिर आप स्ट्रेट ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको तीनों के तीनों पॉइंट दिखा देता हूं जिससे आपके पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन से रेंज में हमको कैसे ड्रैग करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दो। तो यहाँ पर आपको जो 3 पॉइंट दिख रहे हैं, लॉन्ग रेंज, मिड रेंज एंड शॉर्ट रेंज, ठीक है, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ कैसे हमारे वन टैप पड़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग रेंज में, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा है डाउन अप ड्रैग, ठीक है, हमको अपने फार्म को नीचे खींचना है ना ऊपर खींचना है, इसको बोलते हैं डाउन अप ड्रैग, ठीक है। उसके बाद है गाइस स्ट्रेट ड्रैग। स्ट्रेट ड्रैग क्या है कि अगर एनिमी एकदम लॉन्ग रेंज में है तो गाइस वहां पर अगर आप रोटेशन ड्रैग करोगे तो आपका एम लेफ्ट राइट चला जाएगा, ठीक है। तो आपको वहां पर स्ट्रेट ड्रैग करना है लेकिन हल्का सा एकदम थोड़ा सा ड्रैग करना है तो एनिमी इजीली गाइस खत्म हो जाएगा। तो ये जो भी मैंने ट्रिक्स आपको बताई है, जो भी सारी चीजें बताई, इनको आप लोग एक बार फॉलो करना एंड कसम से अपने गेम प्ले पर इंप्लीमेंट करना, आप लोग ट्रेनिंग में जाके खेलना, ठीक है, आपका गेम प्ले में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर एक एडवांस या फिर बोनस ट्रिक आपको बताना चाहूंगा कि गाइस जब भी आप डेजर्ट ईगल से मार रहे हो ना तो एक गोली फायर करने के बाद तुरंत आप लोग रिलोड करो जैसे मैं कर रहा हूँ, एंड ये ट्रिक बहुत फायदेमंद रहती है। इससे क्या होता है कि गाइस आपकी एक्यूरेसी हमेशा 100% बनी रहती है, ठीक है। तो इस ट्रिक को गाइस मैंने स्टार्टिंग में जो आपको क्लिप दिखाया था एक बार और दिखा देता हूँ। एकन ब्रो है वो मारेंगे वन। यहाँ पर सर आपके लिए
So guys, यहाँ पर मैंने इस रीलोड ट्रिक को यूज किया था एंड मेरे देखो वन टैप कैसे तगड़े पड़ गए, दोनों बंदे खत्म हो गए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ ट्रिक्स होती है कि आप लोग फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टाइम भी लग सकता है आपको सीखने में, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। सो गाइज, आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।